नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती से संबंधित एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी को प्रतिदिन बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। उसने सोचा क्यों नहीं घर के पास ही एक कुआं बना लूं, जिससे पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। वही उसके घर के पास में सरस्वती माता का मंदिर होता है और वह सबसे पहले वहां जाकर नारियल चढ़ाता है और प्रार्थना करता है कि माँ पानी की समस्या से छुटकारा दिलाना, कुएं में पानी मिल जाए मदद करना। प्रार्थना करने के बाद उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या गिल्ली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने तीसरी जगह कुआं खोदा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी नहीं मिला। वह निराश होकर फिर से माँ सरस्वती के मंदिर में जाता है और वह मंदिर में जाकर कहता है कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, पानी एक में भी नहीं निकला। भक्त की बात सुनकर माँ सरस्वती प्रकट होती है। माता को आश्चर्य हुआ। माँ सरस्वती स्वयं चलकर उस स्थान पर आती है जहाँ उसने 10 गड्ढे खोद रखे थे। उनकी गहराई देखकर माँ सरस्वती ने कहा, 10 कुआं खोदने के बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम और पुरुषार्थ लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक कुएं को गहरा करते जाओ, पानी मिल जाएगा। वह व्यक्ति वैसा ही करता है और उसे पानी मिल जाता है।